तो नमस्कार, स्वागत है मेरी चैनल पर। दोस्तों, टाटा की गाड़ी की जो दो होता है गियर बॉक्स, होता है एक मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। तो मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, एक एक्सीलेटर है और एक ब्रेक है, और ये जो क्लच होता है वो नहीं होता है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक काम कैसे करता है, इसका क्लच कैसे काम करता है। तो आप यही बताएंगे कि इसका जो ऑटोमेटिक तो गाड़ी है तो क्लच कहाँ से आता है। तो क्लच इसमें है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लच कैसे काम करता है, इसमें क्लच लगा। क्योंकि AMT का मतलब आप सोचते हैं कि टियागो में जो AMT लगा है, तो आप किसी भी शोरूम में जाइए वो यही बताएगा कि AMT का मतलब होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है टियागो, टिगो या नेक्सॉन में। AMT का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। क्योंकि एक मैनुअल जो गियर बॉक्स होता है, ये जो ऑटोमेटेड एक मटर फिट होता है जो क्लच को काम करता है। कैसे काम करता है तो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन पहले ये बता था कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, टाटा ने सिर्फ एक गाड़ी में ही दिया है और वो गाड़ी है टाटा हेक्सा। टाटा हेक्सा को छोड़ के किसी भी गाड़ी में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ले आए लगाया गया है, सिर्फ वो ही है, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है। क्योंकि उस गाड़ी का जो गियर बॉक्स होता है वो बाहर से आता है। जो गाड़ी क्या होता है कि एक बार अगर वो खराब हो जाए, उसका रिपेयर नहीं होता, वो दूसरा मंगवाना पड़ता है, वो बाहर से जो फॉरेन से आता है। उसको एक बार खराब हो जाए तो दूसरी बार उसको मंगाना पड़ता है, क्योंकि वो रिपेयर नहीं होता है। और ये अगर आपका खराब हो जाए तो ये सभी डीलर में या गैरेज में कहीं भी आप उसका काम कर सकते हैं। ये जैसा मैनुअली उसका जो क्लच होता है वही होता है, कि सिर्फ रिलीज बेयरिंग जो होता है, जो रिलीज बेयरिंग लगता है वो रिलीज बेयरिंग ही अलग मोटर का लगता है, लेकिन बाकी सब वो काम करता है। जैसे आप तरह यहाँ पे एक पेडल होता है दबाने से जो काम करता है, ये इसी तरह ही काम करता है। ये देख सकते हैं, एक ऑटोमेटिक की मोटर है जो क्लच को काम करता है। इसके ऑयल डाला जाता है और ये कंटेनर है और ये एक मोटर है। देखिए, जो लीवर होता है वो मैनुअल का भी, यहाँ पे देखिए मैनुअल का भी जैसे लीवर होता है, इसका भी ऐसा होता है जो काम करता है क्लच को। आप देख सकते हैं ऐसे ही काम करता है। तो आप जब इग्निशन ऑन करेंगे तो ये कैसे साउंड करेगा, देखिए कैसे साउंड करता है। गलू देखिए, ये साउंड होता है। अब स्टार्ट मारो, उधर स्टार्ट करने के बाद जब क्लच डाल के गियर डालेंगे तो कैसे काम करता है। देखो, जरा क्लच करो, गियर डालो, ब्रेक करके देखो ये काम कर रहा है। देखो, गियर डालो, ये सही काम करेगा ऑटोमेटिक। जिस तरह इस तरह से गाड़ी, अब न्यूट्रल करो, देखो ये किस तरह काम कर रहा है। तो उसका जो क्लच है वो इसी तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है मैं आगे जाके दिखाऊंगा। वो क्लस्टर में फिटिंग होता है कैसे, इसका एक सेंसर देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंसर होता है जो स्पीड मीटर के साथ, जो स्पीड मीटर होता है उसी के साथ ये कनेक्टिविटी है। तो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ आगे। एक्चुअली वो जो आगे मैंने दिखाया जो स्पीडोमीटर होता है वो कैसे होता है, वो स्पीडोमीटर ऐसे काम करता है कि आप जब भी गाड़ी चलाएंगे तो आपका क्या होता है, आप यहाँ पे एक गियर ऐसे डाल दिया, एक हो गया, देखिए एक हो गया, ऑटो ऑटो ट्रांसमिशन में एक आ गया, एक गियर लगा। तो ये क्या होता है, जो 0 से 20 होता है वो एक होता है, 20 से अगर 40 के बीच वो ऑटोमेटिकली 2 नंबर का गियर आ जाएगा, 40 से 60 के बीच 3 नंबर आ जाएगा, तो 60 से 70 के बीच का 4 आएगा, और वही 80 के बीच में आपका 5 नंबर आ जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ तक चला सकते हैं 140 या 120। लेकिन ये जो स्पीड मीटर के साथ उसका जो जो मोटर है वो फिटेड है, वो जितना स्पीड होगा वो उस तरह से गियर डालता जाएगा, और जिस तरह से स्पीड कम होगा वो ऑटोमेटिकली कमा कमाता जाएगा। तो इस तरह से वो मोटर काम करता है, उसका सेंसर इस तरह ही से काम करता है। और आगे जाकर इस नया नया वीडियो में आपको अपलोड करता रहूँगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।